सीसीटीवी फुटेज जैसा है, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज कितने तारीख का, 18 तारीख का है, सुबह के वक्त का है, और इसके बारे में ये पुलिस को अंदेशा है कि शायद इससे कुछ क्लू मिल जाए। पुलिस जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है सिर्फ सबूत के लिए, साक्ष्य के लिए, एविडेंस के लिए। पुलिस को मालूम है कि सीसीटीवी फुटेज मदद कर सकती है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के बारे में एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, क्योंकि यह मामला 6 महीने पुराना है, 6 महीने तक सीसीटीवी फुटेज को संभालना, उसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी टीमें अलर्ट है और कहीं से भी कोशिश की जा रही है कि उसके आसपास के इलाके से या कहीं से भी कुछ ऐसे फुटेज मिल जाए। इस जो विजुअल को हम आपके सामने प्ले कर रहे हैं, ये विजुअल की, इस तस्वीर की न्यूज 18 इंडिया पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन ऐसी खबरें सोर्सेस के हवाले से आ रही है कि कुछ अंदरखाने ऐसा चल रहा है कि पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को भी बहुत बारीकी से, गहनता से जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस को एक ऐसा एविडेंस तो चाहिए ही, क्योंकि कल रिमांड का आखिरी दिन है और अगर कोर्ट में कोई भी ऐसा पुख्ता तौर पे अगर सबूत नहीं पेश किए गए तो शायद रिमांड की अवधि मिलने में दिक्कतें आ सकती है, मुश्किलें आ सकती है। अब मैं फिर एक बार हिमाचल की खबर